हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टीम इंडिया के नए होने वाले कोच गौतम गंभीर की, जिन्होंने अपना इंटरव्यू भी दे दिया है। अब देखना है कि गौतम गंभीर कब नए असाइनमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ जो सीरीज है उसमें माना जा रहा है कि गौतम गंभीर एज अ हेड कोच ऑफ टीम इंडिया शामिल हो जाएंगे। गौतम गंभीर ने कुछ शर्तें भी अपनी बताई हैं जो कि हमें पता लग रही है कि उन्होंने कहा है कि किस तरीके से सीनियर्स खिलाड़ियों का यूज करना है, किस तरीके से टेस्ट में एक नई टीम होनी चाहिए और सपोर्ट स्टाफ उनकी मर्जी का होना चाहिए, जो कि हर हेड कोच चाहता है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन आज मैं जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ वो मुद्दा बहुत गंभीर है, वो मुद्दा बहुत अहम है और आपकी राय भी उसमें काफी ज्यादा मैटर करती है। दोस्तों सबसे बड़ी चीज ये है कि गौतम गंभीर भारत के एक जुझारू क्रिकेटर रहे हैं, जिन्होंने अपनी शानदार पारियों के दम पर टीम इंडिया को दो दो वर्ल्ड कप के फाइनल में जीत दिलाई है। तो दोनों पारियां एक्सेप्शनली वेल रही हैं। कप्तानी अगर मैं बोलूं उनकी तो आईपीएल में उनकी कप्तानी बड़ी बढ़िया रही है। दो दो आईपीएल के खिताब जो है उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को जिताए और एज ए मेंटर बन के भी जब आए तो उसमें भी उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिलाई। अब दोस्तों ये ऑल सेट एंड डन जिसे कहा जा सकता है कि बस साइन होने बाकी हैं और गौतम गंभीर जो है टीम इंडिया के हेड कोच बन जाएंगे। कोई और कॉम्पिटिटर नजर नहीं आ रहा है। ये भी नहीं बताया गया है कि किन किन लोगों ने अप्लाई किया था इस पोस्ट के लिए। और एक तरीके से जब ये चीज क्लियर हो जाती है कि हाँ भाई बीसीसीआई खुद चाहता है कि गौतम गंभीर जो है वो हेड कोच बने टीम इंडिया के, तो बाकी लोग फिर ऑलरेडी पीछे हट जाते हैं। नाम बहुत थे, रिकी पोंटिंग का नाम था, जस्टिन लैंगर का नाम था, बड़े सारे नाम थे कि ये हो सकते हैं कोच, बट स्टीफन फ्लेमिंग का नाम था, बट कुछ भी पिक्चर जो थी वो क्लियर नहीं थी। अब सवाल दोस्तों मेरा ये है कि क्या गौतम गंभीर जो है वो भारत के हिट कोच बन सकते हैं? क्या गौतम गंभीर 2027 के मिशन के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं? क्या गौतम गंभीर जो है वो भारत को अपनी कोचिंग में एक वर्ल्ड कप या आईसीसी का कोई टूर्नामेंट जिता सकते हैं? देखिए गौतम गंभीर के अगर प्रोफाइल पर नजर डालें, जैसा मैंने कहा कि बहुत ही जुझारू और एक बहुत ही कह सकते हैं कि मोटिवेटेड क्रिकेटर रहे हैं, जिन्होंने बहुत ही आक्रामक अंदाज में अपनी क्रिकेट को खेला है, अपनी क्रिकेट को जिया है, और जब कप्तान भी बने आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के तो वहां भी उनकी कप्तानी रंग लाई थी और उन्होंने जीत दिलाई थी। इंडिया के लिए भी उन्होंने कप्तानी की है कई सीरीज में, जब धोनी रेस्ट लेते थे किसी सीरीज से या नहीं खेलते थे तो वहां पर गौतम गंभीर ही कप्तानी करते थे और उनकी कप्तानी को फुल मार्क्स जाते, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब नेशनल टीम की जो कोचिंग करना है उसमें मेरे को थोड़ा सा एक डाउट है। नेशनल टीम की कोचिंग करने में कई बार क्या होते हैं, ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि हुआ था अनिल कुंबले के केस में, क्योंकि अनिल कुंबले खुद में बहुत बड़े क्रिकेटर रहे थे, बहुत बड़े क्रिकेटर थे, और उस वक्त के कप्तान विराट कोहली के साथ उनकी नहीं बनी, क्योंकि जिस तरीके से अनिल कुंबले चलाना चाहते थे कुछ सीनियर खिलाड़ी जो थे उस तरीके से खुश नहीं थे, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी जो होते हैं टीम इंडिया के खुद में बहुत बड़े स्टार होते हैं, वो नहीं चाहते कि उनको हेडमास्टर की तरह उनसे काम करवाया जाए, कि एक हेडमास्टर आ जाए और वो उनको बोले कि कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे प्रैक्टिस करनी है, क्या खाना है, क्या नहीं करना है, डिफरेंट डिफरेंट चीज। वो उस प्रोटोकॉल में नहीं रहना चाहते हैं जहां पे कि उनको हांका जाए या कोई एक हेडमास्टर आके उनको चलाए, वो उन चीजों में नहीं पढ़ना चाहते हैं दोस्तों। और यही वजह रही कि अनिल कुंबले जैसा बड़ा खिलाड़ी जिसने कि सबसे ज्यादा विकेट लिए भारत के लिए टेस्ट मैच क्रिकेट में, 619 विकेट लिए हैं, उसको विदाई लेनी पड़ गई थी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, और सारे के सारे जो 15 में से 14 खिलाड़ी थे वो अनिल कुंबले के अगेंस्ट में खड़े थे। उन्होंने कहा कि ये हेडमास्टरी वाला रोल जो है नहीं झेल सकते हम इसको, हमें अनिल कुंबले नहीं चाहिए। और उसके बाद अनिल कुंबले जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेड प्लेयर है उनकी विदाई हो गई, और उसके बाद रवि शास्त्री जिनको सब प्लेयर चाहते थे वो भारतीय क्रिकेट टीम के फिर हेड कोच बने। मेरा जो डाउट है वो यही है गौतम गंभीर को लेकर दोस्तों, कि कहीं गौतम गंभीर का हाल भी अनिल कुंबले वाला ना हो जाए। गौतम गंभीर जिस तरीके से जाने जाते हैं, जो उनका एग्रेशन रहा है, जो उनके भारतीय खिलाड़ियों के साथ पंगे रहे, स्पेशली विराट कोहली के साथ जो उनका एक कह सकते हैं कि अनबन रही है, हालांकि बीच में उन्होंने उसमें पैचअप करने की भी कोशिश की। गौतम गंभीर का खुद ये मानना था कि जब विराट कोहली कैप्टन बने तो उनको वो चांसेस नहीं दिए गए, दो चांसेस टेस्ट मैच के उनको दे दिए गए, उसके बाद उनका करियर खत्म हो गया। तो ये जो कुछ सीनियर खिलाड़ी हैं, क्या गौतम गंभीर उनको उस तरीके से चला पाएंगे जिस तरीके से वो कोलकाता नाइट राइडर को जब वो कैप्टन थे तब चला पाते थे, या एज ए मेंटर जब वो कोलकाता नाइट राइडर्स के बने तो उस तरीके से खिलाड़ियों को चला पा रहे थे? क्या भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ियों को जिनका स्टारडम बहुत ज्यादा बढ़ा है, क्या उनको गौतम गंभीर जो है वो लाने की कोशिश करेंगे एक लाइन में? क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इंडियन क्रिकेट में सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है। यही ग्रेग चैपल को आप देख लीजिए, उन्होंने उनका क्या क्या हाल शुरू हुआ था, अनिल कुंबले जब भारत के कोच बने उनके उनके साथ क्या हुआ, और अगर गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ी को जिनकी ज्यादा उम्र नहीं है इन खिलाड़ियों से, हो सकता है 7-8 साल का डिफरेंस हो सीनियर खिलाड़ियों की अगर मैं बात करूँ तो, और बाकी के भी जो खिलाड़ी हैं उनके साथ के सही पटरी पर लाया जा सकेगा, मतलब कहीं ईगो क्लैशेस तो नहीं होंगे, कहीं एक बार फिर से वही चीज वही चैप्टर दोहराया तो नहीं जाएगा जो अनिल कुंबले
और विराट कोहली के एरा में दोहराया गया था, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो राहुल द्रविड़ एक बहुत ही कूल काम कस्टमर रहे हैं, बहुत ही कूल खिलाड़ी रहे हैं, एज ए कोच बड़े कूल रहे हैं, उन्होंने हमेशा रोहित शर्मा को आगे किया है, अपने आप बैक सीट पर रहे हैं, लेकिन जब कोई कोच फ्रंट सीट पर आने की कोशिश करता है तो फिर कप्तान और कोच के बीच में दरारें आती है, कप्तान और कोच के बीच में ईगो क्लैशेस होते हैं। गौतम गंभीर को जितना मैंने रीड किया है वो बैक सीट पर रहने वाले खिलाड़ी नहीं, वो फ्रंट फुट पर, वो फ्रंट सीट पर रहने वाले खिलाड़ी, वो फ्रंट सीट पर आकर कोशिश करेंगे अपनी चीजों को बताने की, अपनी चीजों को चलाने की। क्या ये भारत के मौजूदा कप्तान या आने वाले कप्तान के साथ सही जेल कर पाएगा? क्या फिर वही तो नहीं होगा जो अनिल कुंबले और विराट कोहली के दौर में हुआ था? इस सब चीज को लेकर दोस्तों मेरे को थोड़ा सा, मेरे को एक क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं नहीं चाहता कि भारतीय क्रिकेट में ऐसा हो। भारतीय क्रिकेट में वो कोच बेहतर होना चाहिए जो कि कप्तान के साथ अच्छा तालमेल बिठा सके। अगर कोई कोच ऐसा आता है जिसके साथ ईगो क्लैशेस होती है तो वो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कभी भी अच्छा नहीं रहता। आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ना हो। गौतम गंभीर अगर भारत के कोच बने तो रोहित शर्मा या उसके बाद जो भी कप्तान बने, हार्दिक पांडे ही बने या ऋषभ पंत, जो भी कप्तान बने, उनके साथ उनका बेहतर तालमेल हो और वो भारतीय क्रिकेट की बेहतरी के लिए अच्छा हो। मैं हमेशा ये सोचता हूँ। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों, कॉमेंट सेक्शन पर जाकर कॉमेंट जरूर करें।